नमस्कार। 35 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक ने किया शिलान्यास। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडावरा में गुरुवार को बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुंडावरा से गुनी वाले हनुमान जी महाराज तक बनने वाली सड़क का जेसीबी से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। यह सड़क मार्ग मुंडावरा से गुनी वाले हनुमान जी तक बनाई जाएगी, जिसकी करीब 2.25 किलोमीटर की दूरी है, जो करीब 35 लाख की लागत से बनाई जाएगी। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि यह सड़क मार्ग जो आस्था के प्रतीक गुनी वाले हनुमान जी महाराज को जोड़ती है, ग्रामीणों द्वारा इस सड़क मार्ग को बनवाने की मांग काफी वर्षों से चली आ रही थी, इसलिए इस सड़क मार्ग का शारदीय नवरात्रों में नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया है। वहीं विधायक ने विभाग में ठेकेदार को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस सड़क निर्माण कार्य के लिए ग्रामीणों ने विधायक का साफा और माला पहनाकर आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मंच संचालन मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर PWD XCN नीलम पूनिया, AN शेर सिंह मीणा, JN राकेश यादव, नारायणपुर सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर सैनी, सरपंच भागीरथ सैनी, रोहिता सैनी, सुल्तान राम सैनी, समाज सेवी राजू प्रजापत, राजेंद्र यादव, ललित सैनी, मुकेश गोठवाल, महेश योगी, दुड़ाराम यादव, मोतीलाल जांगिड़, बद्री प्रसाद पटेल, उमराव लाल यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद थे। 35 लाख से लगभग ये 1700 मीटर यानी 2.25 किलोमीटर का रोड है, जो बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में था। और यहाँ हमारे जो धर्म प्रेमी बंधु हैं आसपास में हमारे होने वाले हनुमान जी को सभी लोगों की डिमांड थी, चाहे स्थानीय हो चाहे बाहर, सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए और हमारी भी धार्मिक आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई होने के कारण आज शुभ मुहूर्त में और नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इसका हमने सब अधिकारियों के साथ आज इसका शुभारंभ किया है और जल्दी ये रोड बनेगा, लोगों को लाभ होगा। क्षेत्र के अन्य रोड भी हैं, अब उनका क्रमिक हम आने वाले दिनों में उद्घाटन करेंगे। ये सड़क अच्छे से बने, इसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, मैं ये सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ। और इस स्थान से केवल आप लोगों के नहीं, कई लोग कोटपुतले के भी कहते थे कि भाई साहब सड़क आपकी बहुत ख़राब है, बालाजी के हम जाते हैं, कोई मंगलवार को आता है, कोई शनिवार को आता है, कोई महीने में आता है, कोई 15 दिन में आता है, लेकिन आते हैं लोग बहुत। बानसुर से भी बहुत लोग आते हैं और एक तरह से यहाँ मेला सा लगा रहता है और सावन भर में तो पूरी यहाँ चलती रहती है गोट वगैरह। तो यहाँ आपके अच्छा रोड बनेगा, सबसे पहले इसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन ना आप सभी लोग हो और हमारा पूरा क्षेत्र है। लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि साहब उनका फोकस नारायणपुर पर ज़्यादा है क्योंकि नारायणपुर के हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे दे दिए। भाई हमारा तो फोकस चारों तरफ है, हाजीपुर से और हरसोरा 8 करोड़ रुपए उस सड़क के लिए पास हुए, तो वो कोई नारायणपुर में नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए है काली पहाड़ी से मंगलवा ये रामपुर बेल्ट में, वहाँ हमने कार्य कराया है। बांसुर में बाजार की ये डिमांड थी कि जो हमारा तहसील भवन है ये कायम रहे, तो जो पुराना बाजार है वो अस्तित्व में रहेगा, तो उसके लिए मैंने तहसीलदार जी को कह दिया कि भाई आप बढ़िया से PWD से बजट बढ़ाओ, आप बोलोगे जितना बजट देंगे। तो हमारे लिए क्षेत्र के सभी इससे महत्व रखते हैं, सभी व्यक्तियां महत्व रखते हैं, सभी समाज हमारे लिए महत्व रखते हैं। हमारी राजनीति न तो कोई जातिवादी है, ना ऐसा है कि इसमें कोई क्षेत्र का हम ज़्यादा महत्व या कम महत्व देते हैं। सारा क्षेत्र हमारा है और 5 साल का हमें समय मिला है, क्रमबद्ध तरीके से ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ना चाहते हम जहाँ विकास नहीं पहुँचे। बिलाट में हम मंदिर निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, हमारे यहाँ कृषि आधारित लोग हैं, तो किसानों के 5-7 पंचायतों में भी अगर पानी की उपलब्धता उस बांध को होने से हो जाती है तो मुझे ये लगता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। ज्ञानपुरा में भी जो पहाड़ हैं जिसको खेंटा बोलते हैं, उसके नीचे भी हमने वो प्रस्ताव दिया है
कि यहाँ भी पानी का भराव अच्छा हो सकता है, यहाँ भी बंदा बना दिया जाए। रामपुर क्षेत्र में भी हमने ये प्रस्ताव दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्षेत्र विकास में छूट रहा है। आने वाले समय में कहीं पहले और कहीं बाद में सभी जगह विकास किया जाएगा। जो काम अटके हुए हैं, जो क्षेत्र उपेक्षित पहले राजनीतिक कारणों से रहे हैं, वैसी राजनीति हम नहीं करते हैं। हमारे लिए सभी लोग महत्वपूर्ण हैं और सभी के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। ये सड़क का छोटा सा टुकड़ा आज पास हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है। तो मैंने कहा कि हमारे ऐसे 10-12 पंचायतें हैं जो कराना से लेके नई सड़क तक प्रभावित होती है। तो ये मैंने कहा तो पूरक बजट में उन्होंने उसको लिया और 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाई अपने को विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी, उस पर हम अमल कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में रहते हुए जितना हो सकता है उतना हमेशा प्रयासरत आपके कार्यों के लिए। लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरा राजनीतिक लच्छेबाजियों में थोड़ा उलझ जाते हैं और जो जवाब उनको कोई क्वेश्चन कर लेता है तो वो मेरे को आके कहते हैं, जबकि जवाब उनको खुद को दे देना चाहिए। विकास कार्य चारों तरफ हो। अभी सरपंच साहब ने कह रहे थे कि यहाँ गौशाला में गोचर की भूमि पर अतिक्रमण, ये कह रहे थे आप। गोचर में ये सारा का क्या है? तो गैर मुमकिन बीहड़ की जमीन है, इसको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और किस तरह से ये गांवों के चरण के लिए काम आ सके इसका प्रयास करेंगे। पहले भी आपने कहा है और मेरा कोई इस गौशाला से नया संबंध नहीं है, मैं कंटिन्यू यहाँ आता जाता रहता हूँ। जब भी आता हूँ तो सरपंच साहब मिलते हैं और यहाँ गौशाला में थोड़ा बहुत चारा भिजवाता भी रहता हूँ मैं, जो अपने होते हैं। सारा क्षेत्र अपना घर है, परिवार है। आप निश्चिंत रहें, अच्छे से काम होंगे। आज काम की शुरुआत है, पहला दिन है, नवरात्रा है और कुछ समय इसमें भी लग गया। अभी हमारे एक्सएम साहब को ध्यान है कि पहले कुछ सड़कें गई हुई थी, एक मुटेरी वाला प्रस्ताव हमने भेजा हुआ था, एक मोटोका का भेजा हुआ था, एक मोटोका, एक बुटेरी और एक बामणवास की और एक सड़क, वो तीन सड़कें रुक गई थी। मैं स्वयं जो दिया कुमारी जी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की मंत्री हैं, उनसे स्वयं मिला और इसमें कई कई टेक्निकल चीज़ें, कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम भी अटक जाते हैं, तो इनको एक्सएम साहब को भी बुला लिया था और हाथों हाथ हमने पूरा प्रयास किया। ACS साहब को भी वो लेटर दिए कि भाई मोटोका को भी सड़क बहुत क्षतिग्रस्त। तो मैं तो क्या, कोई भी व्यक्ति जितना लोकल चलता है उतना मैं खुद चलता हूँ, चारों तरफ जाता हूँ और मेरी खुद की इच्छा ये है कि और कुछ हो या ना हो।